रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सभागार में आज पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सुपर स्पेशलिटी को 2021 में पूर्ण क्षमता के साथ संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए, साथ ही सुपर स्पेशलिटी में चिकित्सकों की भर्ती के लिए दक्षिण भारत में रोड शो करके चिकित्सकों को लाने का प्रयास करने की बात कही गई, जबकि नर्सेस सहित पैरामेडिकल स्टाफ एवं टेक्नीशियन की भर्ती को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ सीटी स्कैन एवं कैथ मशीन को चालू करने व प्रशिक्षण दिए जाने के लिए भी निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल सुचारू रूप से चलती रहे और लोगों को इसकी सुविधा मिले, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, प्रभारी डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर सहित सुपर स्पेशलिटी अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, SDM फरीन खान व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश। देखिए, समय समय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतर तरीके से चले, इसके लिए समीक्षा मैं स्वयं देखता हूँ, इसको करता हूँ। और इसमें नर्सेस की भर्ती अगले महीने तक पूरी तरीके से हो जाए, जो टेक्नीशियंस व्यापम से भर्ती होने हैं वो पूरे भर्ती हो जाए, और डॉक्टर सभी हमें 13 मिले हैं और बाकी डॉक्टर्स कैसे आएँ, इसके लिए रोड शोज करने का फैसला किया है, ख़ास तौर से दक्षिण भारत में जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे रोड शो करेंगे और उनको भर्ती करने के सारे प्रयास होंगे। आज ये फैसला हुआ है कि सीटी स्कैन की मशीन के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए वो हम आउटसोर्स से लेके और सीटी स्कैन की मशीन जिन्होंने लगाई है उनको बुलाएंगे और हमारे उन कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे और 10 दिन में सीटी स्कैन मशीन शुरू हो जाए इसकी कोशिश करेंगे। इसको तो भोपाल स्तर से सारे रेगुलेशंस तय हो रहे हैं, जैसे निर्देश आएंगे वैसा होगा।